साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बाद अब भाजपा की विधायक उषा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी बताया है। आपको बता दें कि इसके पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। विधायक उषा ठाकुर के इस बयान से नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। विधायक ने कहा कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रवादी थे, उन्होंने जीवन भर देश की चिंता की, उस समय क्या परिस्थिति रही होगी ये कहा नहीं जा सकता। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधायक उषा ठाकुर ने। वो तो राष्ट्रवादी है ही, देखिए संगठन भी स्पष्ट कर चुका कि वो उनका व्यक्तिगत बयान था। मैं ये मानती हूँ कि कोई व्यक्ति जीवन भर देश की चिंता करता रहे, क्या काल परिस्थिति रही होगी जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया ये तो वो ही जान सकते हैं। आप और हमको तो मैं सोचती हूँ इस बारे में टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नीलाब शुक्ला ने कहा कि उषा ठाकुर के इस बयान से भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद का चेहरा एक बार फिर देश के सामने आ गया है।